हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्टडी। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने ऐप से अर्न कर सकते हैं बहुत अच्छा खासा। तो मैंने पिछले दो वीडियो में बताया था कि कैसे आप एक एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं थंकेबल की मदद से, और दूसरा था पुश नोटिफिकेशन और अपडेट कैसे भेज सकते हैं। अगर वो दो वीडियो आपने अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप पहले उन दो वीडियो को देख लीजिए। और ये है ट्यूटोरियल नंबर 3। आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप इस ऐप के ऐड दिखाकर हम कैसे बहुत अच्छा सा कमा सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लाते रहता हूं और थंकेबल के डिफरेंट टाइप का ऐप मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपको एडमोब पर अकाउंट बनाना होगा, एडमोब पर अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद ऐप्स में जाना पड़ेगा और ऐड ऐप में जाना पड़ेगा। हैव यू पब्लिश्ड योर ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर और द ऐप स्टोर? नो। अगर आपने पब्लिश किया है तो यस करिए, मैंने तो ये नहीं किया है तो नो। इसके बाद आप ऐप का नाम दीजिए, उसके बाद एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ऐड, क्रिएट ऐड यूनिट। आप क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक करें। यहाँ से देखिए तीन तरह की ऐड है, आपको बैनर और इंटरस्टिशियल ऐड कोड लेना पड़ेगा। तो बैनर पहले सिलेक्ट करें, ऐड फॉर्मेट एग्जांपल लें, बैनर दीजिए, क्रिएट ऐड यूनिट। बस ये हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ आप ऐड लगाना चाहते हैं, मैं तो सब पेज में ही ऐड लगाना चाहता हूँ, तो पहले लेआउट लेकर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को दीजिए और वाइड को फिल पैटर्न करिए, ठीक है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल में जाइए, एक्सपेरिमेंटल। अभी देखिए यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन है। अरे बैनर, एट मो बैनर, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी इस ऐड यूनिट जा रहा है, ऐड यूनिट कहाँ पर है? अभी हम जो बनाया था देखिए, ये है ऐड यूनिट। इसको पूरा कॉपी करके अभी ये हो गया। अभी कोई आपका ऐप इंस्टॉल करेगा तो ये ऐड दिखाएगा और आप ऑन कर सकते हैं, बहुत अच्छा। अभी आप दो ऐड दीजिए बैनर को, बैनर ऐड दो दीजिए, बस हो गया। अभी यहाँ पर एक इंटरस्टिशियल ऐड देना पड़ेगा। बैनर ऐड से इंटरस्टिशियल ऐड में अर्निंग ज़्यादा होगा, तो आप ज़रूर इंटरस्टिशियल ऐड को भी दीजिए यहाँ पर। तो ऐड मोड पे आए, क्रिएट अनदर ऐड यूनिट इंटरस्टिशियल सिलेक्ट, एग्जांपल नेम मैं दे रहा हूँ INT, क्रिएट। बस ये है आपका इंटरस्टिशियल ऐड कोड, कॉपी कर ले, डन। अभी इंटरस्टिशियल ऐड को कहीं भी आप छोड़ दें, बस छोड़ दें, और यहाँ पर ऐड कोड भी डाल दें, बस ये हो गया। अभी क्या करना होगा, आपका सारे स्क्रीन पर ये देना होगा, सारे स्क्रीन 2 में जाइए, मटन कारी रेसिपी को आप दीजिए यहाँ पर, इंटरस्टिशियल ऐड को दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर आप बैनर कोड, बैनर एडमो बैनर भी दे सकते हैं यहाँ पर, बैनर। बैनर दीजिए यहाँ पर, तो बैनर कोड को आप कहाँ से लेंगे, यहाँ से, ये रहा आपका बैनर कोड, पेस्ट, बस अभी हो गए। अब क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक्स में जाना पड़ेगा, तो ब्लॉक्स में जाइए और यहाँ पर से कुछ एडिट करना पड़ेगा। तो पहले स्क्रीन 1 पे सिलेक्ट करें, व्हेन स्क्रीन 1 इनिशियलाइज डू, स्क्रीन 1 जब लोड होगा तब क्या होगा, कॉल एडमोब बैनर 2
लोड ऐप, और क्या होगा इंटरस्टिशियल ऐड, कॉल एडवर्ब इंटरस्टिशियल ऐड लोड ऐप। अभी और भी है बैनर, तो ऐसे करके आप दे दीजिए। अभी बैनर ऐड के लिए क्या करना होगा, अभी व्हेन बैनर एडमो बैनर टू ऐप लोडेड, सेट एडमो बैनर एट विजिबल टू ट्रू, लॉजिक लेना है और ट्रू को आप यहाँ पर दे दीजिए। अभी बैनर वन की बारी, अभी आपका ऐड लोड होगा। तो ये हमारे ऐप पे ऐड हमने दे दिया है। अभी जो कोई भी ऐप खोलेगा तो उसको ऐड दिखाएगा। यहाँ पर हमने सेट कर दिया है। अभी इसी तरह से सभी स्क्रीनों में आपको, मतलब सभी पेजों में आपको इनपुट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ब्लॉक में, यहाँ पर सिर्फ इंटरस्टिशियल ऐड है, तो आप क्या करना होगा, व्हेन स्क्रीन टू इनिशियलाइज डू इंटरस्टिशियल, मतलब सिर्फ कॉल लोड है, बस हो गया। स्क्रीन थ्री में ब्लॉक्स में जाइए, और व्हेन स्क्रीन थ्री इनिशियलाइज डू कॉल एटमो बैनर लोड ऐप इंटरस्टिशियल लोड ऐप। अब बैनर ऐप मतलब आपको व्हेन एटमो बैनर वन ऐड लोडेड, देन सेट एटमो बैनर वन विजिबल टू लॉजिक ट्रू, बस ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना होगा, एक्सपोर्ट, अभी देखिए ऐप इंस्टॉल हो गया है। अभी यहाँ पर ऐड दिखाई देगा, देखिए ये ऐड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तो आपका अर्निंग ज़्यादा होगा, लेकिन इम्प्रेशन में भी कुछ अर्निंग होता है। अभी मटन कारी में जाएंगे तो यहाँ पर भी एक ऐड दिखाई देगा, यहाँ पर यह बैनर ऐड भी आएगा। लेकिन इस इंटरस्टिशियल ऐड में आपका अर्निंग ज़्यादा होता है, बैनर ऐड से ज़्यादा इंटरस्टिशियल ऐड में होता है। तो आपने देख लिया कि कैसे आप पहले ट्यूटोरियल में ऐप बना सकते हैं, उसके बाद आप कैसे पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और अपडेट भेज सकते हैं, और इस थर्ड ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि कैसे आप ऐड अपने ऐप पर दिखाकर अपने कैसे आप कैसे अर्न कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इस तरह बहुत ही थंकेबल के ट्यूटोरियल को मैंने कंटिन्यू करने वाला हूँ, बहुत सारे ऐप बनाकर दिखाऊंगा आपको, बहुत तरह की ऐप दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल जुड़े रहे, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे दबाइए। उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।